हाँ जी, तो ये कद्दू बनने की प्रिपरेशन हो गई है कंप्लीट। कद्दू, प्याज और जो है टमाटर, और इसको हम कुकर में बनाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखा, ये भी मुझे सिखाना पड़ा। हाँ सही बात है, सारा कुछ तो तुम सिखाती हो, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। देखो रवीना का कहना क्या है, कहना क्या चाहती है? मैंने नहीं बोला ये, तुम मेरी लाइंस को मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। और सुबह तुमने एग्जैक्टली मेरी लाइंस बोली। मेरे से लड़ाई मत करो। खुद करती है, वजह भी नहीं चाहिए इसको लड़ने के लिए। फिर अच्छा रवीना बताओ बताओ बताओ, एक अच्छी चीज बताई। बताओ रवीना ने ये बुक का अगले दो चैप्टर पढ़े और उसमें से रवीना को जो समझ आया और इनकी जिंदगी से हमें क्या सीखने को मिलता है या मुझे क्या सीखने को मिला, वो मैं आप लोगों को दो मिनट में जल्दी जल्दी बताऊंगी। ठीक है? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये ऑटोबायोग्राफी है नीना गुप्ता जी की। हाँ, नीना गुप्ता की। और इससे क्या सीखने को मिला था वो मैंने पहले चैप्टर में, वो मैंने पहले आपको बता रखा। ठीक है, सेकंड चैप्टर का बताओ। तो सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर का नाम बहन जी रख रखा है, क्योंकि यूजुअली बहन जी का मतलब हम ऐसे लगाते हैं कि मतलब कोई ऐसे सलवार कमीज में लड़की या ऐसे ट्रेडिशनल कपड़ों में लड़की, और जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है, जो ठीक से शायद बात भी नहीं कर सकती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको बहन जी बोला जाता है। जबकि एक्चुअल में बहन जी का मतलब क्या होता है कि आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट किसी को बोल रहे हो। कई बार आपने देखा होगा कि सब्जी वाला भी, चाहे उससे कम उम्र की लेडी है, मान लो मैं ही हूं और मेरे से बड़ा है अंकल है वो, तो वो भी मेरे को बहन जी बोल देते हैं। सो वो बहन जी का मतलब आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट किसी को बोल रहे हो। मुझे लगा बहन जी सिस्टर होगी ना वो ऐसे। एग्जैक्टली, बट बहुत सारे स्पेसिफिकली कॉलेज लेवल पे अगर हम लोगों को लेके चले या बच्चों को लेके चले, सो वो बहन जी का मतलब ऐसे मानते हैं कि वो इंसान मॉडर्न नहीं है, उसको कुछ नहीं आता और ऐसे वाली सिचुएशन। और अगर कोई हाई फाई है या अच्छे कपड़े पहन रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि लड़की बिगड़ गई है। ठीक है, सो ऐसा इसमें बता रखा था कि ये पर्सपेक्टिव था जब वो बड़ी हो रही थी। 19 ये पता। चलो जो, मतलब वो काफी बड़ी है अभी भी, तो मतलब जब तक तो हम पैदा भी नहीं हुए थे तब के पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। सो उस टाइम पे स्पेसिफिकली इसने दो इंसिडेंट मेंशन किए जो मैं हर एक पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि उनको किस तरीके से बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। इसने ये मेंशन किया कि हम जो है बीइंग अ गर्ल स्पेसिफिकली, पेरेंट्स से आप बात शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो चीजें ऐसे होगी कि आपकी गलती है। जैसे इसने एक पहला इंसिडेंट ये शेयर किया कि ये इसकी आंख में कुछ इन्फेक्शन हो गया था और ये जो है अपने भाई के साथ आई डॉक्टर के पास जाती है, आंख के डॉक्टर के पास। आंख के उसके भाई को तो बाहर वेटिंग रूम में बिठा लिया, आंख के डॉक्टर ने आंख के साथ साथ और भी चीजें चेक की जिनका कोई लेना देना नहीं था आंख से। ठीक है, वो ऑकवर्ड फील कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो ये बात अपनी मदर तक को नहीं बता सकती थी क्योंकि जो थोड़ी बहुत फ्रीडम उनको उस टाइम पे मिल रही थी, उनको ये डर था कि मम्मी को या पेरेंट्स को बताया तो वो ये मेरी गलती निकालेंगे कि मैंने ही कुछ किया होगा, और इस वजह से वो जो है बताई नहीं पाते। और ये इंच मतलब जब कहीं अकेले में होती तब ये सोच के रोती थी बैठ के। बहुत से केसेस में ऐसा होता है ना कि उसने घर बता दिया तो मोस्टली ये सोचते कि हमारे वाले में ही कमी, हमारे वाले इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, घर ही बैठ जा वाली सिचुएशन। और सेम एक और सिचुएशन बताई जब टेलर के पास ये कपड़े सिलवाने जाते थे, तो टेलर जो है मेजरमेंट्स लेते टाइम, नाप लेते टाइम कुछ अजीब से टच या कुछ अजीब सी हरकत, जो कि फिर से ये अपनी मम्मी को नहीं बता सकती और ये भी नहीं बोल सकती कि मुझे उस टेलर के पास नहीं जाना। सो अगेन एंड अगेन वही जाना पड़ता, वही सेम चीजें होती और वही ट्रोमा जो है दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठते चला जाता। जब ये सारी सहेलियां इकट्ठी होती और जब आपस में डिस्कस करती ना, तब उनको ये होता है कि यार सब ऐसा तो होता ही है। एग्जैक्टली, लेकिन वो जो कि बहुत नॉर्मल चीज है कि होती है बहुत बार, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते। सो ये चीज अब इस स्टेज पे बोल दो, पेरेंट्स से आजकल बच्चे शेयर करते हैं। और इसने ये तुलना भी की कि आज के जमाने में तो जो है मतलब 3 साल के बच्चे को भी पता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। हाँ, एग्जैक्टली इसी से बताते हैं। सो इसके अलावा एक और चीज जो है पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए, मतलब मुझे, हम पेरेंट्स नहीं है बट स्टिल मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ती हूँ या ये पढ़ू कोई भी चीज, सो मुझे ये सीखने को जरूर मिला कि अगर आपका बच्चा आपसे कुछ शेयर नहीं कर पा रहा, सो ये टोटली
मतलब आउट एंड आउट 100% पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट बच्चे के सामने किया होगा, बोला होगा कि जो है वो पेरेंट्स से शेयर नहीं। खासतौर पे जब बच्चा बड़ा होता है ना इनिशियल स्टेज में, बिल्कुल वहां से उसमें जो हैबिट डेवलप करनी है, वहां से बच्चे शेयर करते हैं पेरेंट्स से आके सब कुछ बोलते हैं। एक्जेक्टली, एक बार मैं निशा को भी बोल रही थी कि अब अगर तू नाराज भी हो जाती है ना तो तेरे बच्चों को इतना फर्क पड़ता है कि वो सैड हो जाए कि मम्मी नाराज हो गई, ठीक है, तो यानी कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम, तो अगर किसी पॉइंट पे जाके उनके लिए वो इम्पोर्टेंस थोड़ी कम होती है तो वो कहीं ना कहीं निशा की गलती होगी। मैं ये उसको उससे भी डिस्कस कर रही थी एक बार। सो इसलिए पेरेंट्स को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए बचपन से ही कि बच्चे सारी चीजें उनसे शेयर करें, प्यार से उनसे पूछा जाए। मतलब अगर गलती से भी कुछ गलत बच्चों के साथ हो जाता है तो वो सबसे पहले विश्वास के साथ अपने पेरेंट्स को आके बताएं कि ठीक है, मतलब गलत हो गया, वो चीज तो उनको झेलनी पड़ ही रही है ना, पहले भी गलत हुआ उनको भी झेलनी पड़ रही थी, लेकिन वो अकेले झेलनी पड़ रही थी, यहाँ पे उनको ये तसल्ली होगी कि उनके पेरेंट्स उनके साथ। और पेरेंट्स को भी ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी ना कि किस एज में जाके उसको गुड टच और बैड टच के बारे में बताए। Exactly. और कैसे समझाए, कैसे समझाए, हाँ, अच्छे वर्ड्स में। और ये भी हो सकता है कि जैसे मेट्रो सिटीज वगैरह है या डेवलप सिटीज है उसमें जो है ये बहुत कम एज में ही शुरू हो सकती है, बहुत अर्ली शुरू हो सकती है। विलेजेस में मैं मानता हूँ कि थोड़ा टाइम लगता है, बट स्टिल सिचुएशन दोनों में सेम ही, सिमिलर सी होती है, सेम है, पर फिर भी अर्बन एरियाज में पेरेंट्स जल्दी बता देते हैं। हाँ, ये लगता है। रूरल में तुम बोल रहे हो कि लेट शुरू होती है तो रूरल में बताते ही नहीं, टैबू समझते हैं, टैबू टैबू समझते हैं, राइट, उसमें इतना नहीं होता, उनको बताना चाहिए जब भी। तो बस ये चीजें मुझे यहाँ से सीखने को मिली कि आपको अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए ताकि उनको भी अच्छा फील हो और वो आपसे आके सब कुछ शेयर करें। मतलब अगर उनका जो है लड़की है या लड़का है, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बना रहे, किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, तो भी वो सबसे पहले आपको बताए, आपको बताए, ठीक है, ताकि कोई भी, क्योंकि अगर उनको चीजें पता होंगी तो वो गलती और गलत दोनों से बच सकेंगे। सही पकड़े हैं। हाँ जी, तो इस ज्ञान के बाद हमारे पास और कुछ भी है, वो है हमारे पास खाना जिसमें रवीना ने बनाया है कद्दू रोटी, दो मिनट, सैलेड और वहाँ पर आम है। ये बोलो, टिंडे आम कोई मत लाना, ये अंदर से बहुत अजीब टेस्ट कर रहे हैं और बाहर से इतने सुंदर दिख रहे हैं। और अगर ला भी रहे हो ना तो ऐसे लाना, मतलब जो हार्ड हो। अरे अरे, और बहुत हाँ, क्योंकि वैसे टेस्ट अलग है इनका, टेस्ट अलग। और टपके वाले आम का भी हमें यही समझ आया कि जो हार्ड है और हरे हैं, हरे तो वो वैसे भी होंगे दिखता ही है, बट जो हार्ड है वो वाला लेके आइए ताकि खराब निकलने के चांसेस कम हो जाएं। अब आज अमित कैमरा पकड़े हुए, क्या बात है। चलो टेस्ट करके बताओ, टेस्ट कर। हाँ जी, हाँ जी, खीरे और ये हमारा आम और ये रोटी और ये है पत्नी जी। ठीक है जी, एक बार टेस्ट करके बताइए आप। मैं अच्छा ही बनाती हूँ। नहीं, तुम तो बहुत अच्छा बना। अपना ही बनाया हुआ खाना टेस्ट करके बताती हूँ। आज मैंने और एक ही अमित के द्वारा धोए गए बर्तनों में खा के बताते हैं, ये बोलो ना तुम। ओ भाई, मैंने एक ही टमाटर डाला। चलो कोई बात नहीं। अमित, तुम्हें टेस्टी लगेगा। अच्छा, आज मैंने इसमें मेथी का छोंक भी लगाया था तो ये बहुत अलग अच्छा टेस्ट आ रहा है। अच्छा है, हाँ, ठीक है, तुम भी आ जाओ। तो ठीक है, अच्छा बनाइए, बताएगा भी। रुको जरा, सब्र करो। मेथी के छोंक का टेस्ट आ रहा है। अच्छा लग रहा है ना? ठीक लग रहा है। तो चलिए जी, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज की बातें यहीं समाप्त होती हैं, हम आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, जो हम नया सीखेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, जैसा कि हमने प्रण लिया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।